हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप का आइकॉन कैसे चेंज कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन आइकॉन चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे पास वीवो की फ़ोन है, अगर आपके पास दूसरे फ़ोन है तो उसमें भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपके मोबाइल की जो ऐप्स है उसका आइकॉन पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी नॉर्मल है, तो मैं आपको इसको चेंज करके लाइव दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोन की सेटिंग खोल लीजिएगा। फिलहाल ये वीवो की फ़ोन है, तो वीवो के फ़ोन में आपको यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और वॉलपेपर, ये लिखा आएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करके क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है थीम्स का, थीम्स लिखा है, तो इसके ऊपर आप थीम्स पर क्लिक करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में जो थीम्स है वो आ रही है, तो आपको यहाँ पे आप एक थीम डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड मोर पर क्लिक करना है, यहाँ से फ्री आपको थीम लेनी है, कोई भी पेड, यहाँ पे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप ऊपर सर्च बार में क्लिक कर दीजिएगा, ऊपर यहाँ पे देखिए सर्च बार है, तो सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है मैजिक, लिखना है सबसे पहले मैजिक लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेलिंग लिख दी मैजिक, और आगे आपको फॉरेस्ट लिखना है, FORESTT, ये जो स्पेलिंग है वो सही से आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप से आपकी जो थीम है, जैसे आप सर्च करोगे तो इस टाइप से आपके सामने जो है थीम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो एक थीम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी अभी, जहाँ पे सबसे एक नंबर पर ही, अगर आप सही से स्पेलिंग लिखते तो एक नंबर पर ही है मैजिक फॉरेस्ट, और ये फ्री में है, यहाँ पे आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और इसका पूरी तरह से थीम जो है बदल जाएगा आपका। तो यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है, इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, 11 MB का डाउनलोडिंग जो है साइज इसका। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है हमें। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पे अप्लाई लिखा है, तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देखिए अप्लाई हो रहा है और ये अप्लाई हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए पूरी तरह से जो है हमारी जो ऐप्स है उसका आइकॉन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप जो है आइकॉन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सिर्फ उसका नेचर नेम से आप पता करेंगे, बाकी यहाँ पे आइकॉन पूरी तरह से यहाँ से अलग हो चुका है। अगर आपको इसको बंद करना है जो है वापस पहले जैसे करना है, तो वापस आपको थीम वाले ऐप्स में चले जाना है, या फिर थीम वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपने जो पहली लगाई थी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी जो है थीम आ जाएगी पहली जैसी, या फिर आप डायरेक्टली सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग में आती है, उसके बाद वापस से हमें जो है लॉक होम स्क्रीन इसके ऊपर जाना है, थीम के ऊपर जाएंगे, हमारी जो पहली वाली थीम थी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो हमारी पहली थीम वापस अप्लाई हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।